हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मींस प्लांट के एरियल पार्ट से जब वाटर का लॉस होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, मेनली ट्रांसपिरेशन यूज कहाँ होता है? तो दोस्तों, दो उसके मेन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि दो रीजन से ट्रांसपिरेशन हमारे यूज में है, स्पेशली प्लांट के यूज में है। पहला क्या होता है, ये क्या करता है, ये रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आसानी कर देता है। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण आसानी से रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और वही वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमारे स्टेम से आता है और फ्लावर लीव्स के थ्रू क्या होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन का पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या होता है, ये हॉट वेदर में भी, गर्म कंडीशन में भी प्लांट्स को कूल किए रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, जो मैंने बोला ही कि ट्रांसपिरेशन क्या है, एक इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर करता है। कहाँ से? फ्रॉम एरियल पार्ट। और एरियल पार्ट होता क्या है प्लांट्स का? लीव और स्टेम ऑफ द प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट से क्या करता है, वाटर का लॉस कर देता है, वो इवापोरेट कर देता है, तो वही कहलाता है ट्रांसपिरेशन। अब दोस्तों, क्या हमेशा ट्रांसपिरेशन होता है? तो हाँ दोस्तों, हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ट्रांसपिरेशन होता ही होता है। बट रेट क्या होती है, वो दिन में ज़्यादा होती है क्योंकि हॉट वेदर कंडीशन होता है, और रात क्या होती है, वो स्लो हो जाती है। और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करता है, उसका केवल 2% ही प्लांट यूज कर पाता है, बाकी रेस्ट 98% क्या होता है, वो इवापोरेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है कि क्या सच में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, उसके लिए आपकी बुक में क्या हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, पहला जो डेमोंस्ट्रेशन किया गया है वो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट वन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ प्लांट बाय इनक्लोजिंग द प्लांट इन पॉलीथीन बैग। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया, प्लांट के जो एरियल पार्ट था उसको पॉलीथीन बैग से कसके टाइटली पैक्ड कर दिया गया, फिर 2-3 घंटे बाद सनलाइट में रखा, और 2-3 घंटे बाद देखा, क्या देखा कि इस पॉलीथीन में बहुत सारे वाटर वेपर बने हुए हैं, जिससे ये क्लियर हुआ कि कुछ ना कुछ ये वाटर यहाँ से क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, इवापोरेट हुआ है, जो कि पॉलीथीन में आके चिपक गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, तीन एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ए बी सी। ठीक, हम एक एक की बात करते हैं। ए में क्या हुआ है, ए में ये एक प्लांट है, प्लांट पॉट है, पॉट में प्लांट लगा हुआ है, पॉट को क्या किया इन्होंने, एक पॉलीथीन से या किसी चीज से, पॉलीथीन से कवर करके टाइट कर दिया उसके पॉट को। ठीक, ये सॉइल होगा अंदर, ठीक है ना दोस्तों, और ये हमारा स्टेम है, और इसमें एक बड़ी बड़ी लीफ वाली कोई प्लांट लिया, और उसके बाद क्या किया, इसको एक बेल जार से क्या हुआ, इन्होंने ढक दिया, फिर 2-3 घंटे बाद देखा तो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर वेपर दिख रहे हैं। ठीक उसी समय एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें भी पॉट लिया, सॉइल थे, ठीक, और ये प्लांट लगाया, इसके साथ में ये देखिए ये वुडन की स्टिक है, और इसके सहारे, ये एक सहारा के लिए, ये कोई एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, इसके सहारे से इन्होंने क्या किया था, एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख दिया था, कि ड्राई क्लोराइड कोबाल्ट पेपर क्या किया, ये किया। ठीक, तो ड्राई क्लोराइड कोबाल्ट पेपर को जब देखा इन्होंने, कुछ टाइम के बाद इवापोरेशन होने लगा है सारा बेलजार बेलजार रखने के बाद, तो देखा ये ड्राई कोबाल्ट ब्लू था, ब्लू से ये पिंक हो गया, वहीं जहां पे प्लांट नहीं रखा गया है तो वहां पे क्या है, ये ब्लू है, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कहीं कहीं वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया, ये वाटर निकला हुआ तभी तो एब्जॉर्ब किया होगा ना ये, और एब्जॉर्ब जैसे ही करता है ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, वो ब्लू से पिंक कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल प्लांट से निकल रहा है। अब क्वेश्चन ये हमें दिमाग में आ रहा है कि ये गमले को क्यों ढका गया? तो दोस्तों, गमले को इसलिए ढका गया क्योंकि सॉइल है, सॉइल से भी वाटर इवापोरेट हो सकता है और होता ही है, इसलिए इसको ढक दिया गया कि इससे प्रूफ हो कि सॉइल से वाटर इवापोरेट नहीं हो रहा है, केवल कहाँ से हो रहा है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो दोस्तों ट्रांसपिरेशन की मेजरमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे दो मेथड बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है वेइंग का मेथड। वेइंग का मेथड जैसा कि हम जानते हैं क्या है, सिंपली वे कर देना, कोई प्लांट लिए पहले वे कर दो, फिर बाद में जो है, फिर कुछ देर बाद उसको वे करो। कैसे वे करेंगे,
एक प्लांट लोगे पॉट में, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्लांट लेंगे, एक प्लांट लेंगे और दूसरा प्लांट लेंगे, ठीक। पहले इसको वे कर लिए, फिर दो चार घंटे बाद या दो तीन के बाद वे करेंगे तो उसका वेट कहीं ना कहीं लॉस होगा। लेकिन याद रखिएगा सॉयल का वेट हमें हटा देना है, तो वो जो लॉस हो रहा है वेट में, वही उसी से हम मीजर कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं वेट लॉस हुआ है। लेकिन ये काफ़ी क्लियर नहीं था, इसलिए इनको थोड़ा सा सटीकता से करने के लिए, थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखिए। इसमें देखिए ये एक लिया गया है, क्या है, एक जार है, जार में वाटर है और ये रूट्स है, रूट है और लीफ है। और इसमें जार में देख रहे होंगे बगल में ये एक मेट्रिक मीन्स यहाँ पे कुछ मीजरमेंट के लिए कुछ लगी हुई है नली, ठीक। इस मेजरमेंट के पता चल गया कि वाटर का लेवल यहाँ पे है, लेकिन जब इसको पहले प्लांट को वे कर लिया गया, ठीक, उसके बाद फिर जब मेजर किया गया, फिर इसमें डाला गया, तो देखा गया कि कुछ देर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो डाउन हो गया। कैसे डाउन होगा, कि कहीं ना कहीं ये रूट एब्जॉर्व करके इसको क्या कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी तरीका था कि वेइंग मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अदर मेथड भी है, देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या किया गया, एक ट्यूब लिया गया, ट्यूब में एक प्लांट डाला गया, लेकिन प्लांट है लेकिन इसका रूट नहीं है। क्यों रूट नहीं है, रूट इसलिए काट दिया गया क्योंकि जब रूट रहता है तो ट्रांसपिरेशन की रेट तेजी से होती है, क्योंकि रूट का काम ही होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तो वाटर एब्जॉर्ब कर तेजी से ट्रांसपिरेशन होगा। बट रूट नहीं है तो एवपोरेशन की रेट क्या होगी, वो घट जाएगी, ठीक। और इसके ऊपर क्या किया गया, ऑयल की लेयर डाल दी गई। ऑयल की लेयर इसलिए डाल दी गई कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या है, उड़े नहीं, क्यों, वाटर मॉलिक्यूल जब उड़ेगा तो क्या होगा, अगर ऊपर से उड़ेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ से इवापोरेशन हुआ है प्लांट की लीफ से या वाटर से डायरेक्टली हुआ है, इसलिए एक ऑयल की लेयर डाल दी गई है। फिर कुछ बार बाद, कुछ टाइम बाद, दो दिन बाद देखा गया तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, वाटर का कंटेंट जो है वो कम हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इवापोरेशन हुआ है, स्लो रेट थोड़ा स्लो होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द रूट, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दूसरा है पोटोमीटर मेथड, ठीक। पोटोमीटर मेथड क्या होता है, पोटो मीन्स होता क्या है, तो पोटो मीन्स होता है ड्रिंक और मीटर मीन्स होता है वाटर। ये एक प्रकार की डिवाइस है, ठीक, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो क्या करता है, रेट ऑफ वाटर इंटेक बाय अ प्लांट, प्लांट के द्वारा जो वाटर इंटेक किया जाता है उसके रेट को मीजर करता है, ठीक। तो पोटोमीटर मेथड बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा पोटोमीटर मेथड एज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच मीजर द रेट ऑफ वाटर इंटेक बाई प्लांट, ठीक। अब अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग टाइप का पोटोमीटर बनाया है, उसके नाम के हिसाब से उनको नाम दे दिया जाता है, जैसे कि फार्मर साहब ने दिया था फार्मर्स पोटोमीटर, ठीक, गेनांग साहब ने दिया था गेनांग्स पोटोमीटर। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक गेनांग्स पोटोमीटर की बात की गई है। तो गेनांग साहब जो पोटोमीटर बनाया था वो कुछ इस प्रकार का था, देखने में बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, ये एक ग्लास की पाइप है, ठीक, उस पाइप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक भी लगाया गया है जहाँ से हमारा रिजर्वायर है वाटर आ रहा होगा, ठीक। और इसके एक एंड पे क्या किया गया, स्केल लगा दिया गया और इसी पाइप को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा एंड जो है खोल दिया गया है एक बीकर में, जिसमें कि वाटर है, वो भी कलर्ड वाटर है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ से पानी भरा गया, तो यहाँ से पानी भर दिया गया, ये पानी है हमारा। उसके बाद अब करना क्या होता है, यहाँ पे हमें बबल लाना होता है। अब बबल लाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है तो इसको हल्का सा उठाएंगे और फिर डिप कर देंगे, ठीक। जब उठा के डिप करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही जो है एक एयर बबल जो है यहाँ पे आ जाएगा ड्यू टू द सक्शन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रखे हैं, एक प्लांट की ट्विग डाले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो सबसे टफ काम जो इस पोटोमीटर में होता है, जो गेनांग साहब का है, एयर बबल को लाना। एक बार एयर बबल आ गया तो स्केल मीटर के एक तरफ इसको रख देते हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे जो ट्यूब है, जब ये ट्रांसपिरेशन करेगा, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा और यहाँ से वाटर लॉस होगा, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, क्योंकि पानी बाहर गया ना तो पानी फिर से आ जाएगा। और फिर से इस एयर बबल को यहीं पिलाने के लिए ये जो स्टॉप कॉक है उसका यूज़ करेंगे, जो खोल देंगे तो फिर से ये प्रॉपर यहाँ पे
आ जाएगा वापस। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमारे गेनॉन्ग साहब का पोटोमीटर था, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं जो कि ये भी दी गई हैं कि आपकी बुक में, जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे पहला लिमिटेशन है इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल, एयर बबल को लाना ही सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। दूसरा, ट्विक मे नॉट रिमेन फुल्ली अलाइव फॉर द टाइम, और ये जो ट्विक की बात की गई है ये हर समय जो है जिंदा नहीं रह सकता ना, बहुत ज़्यादा देर तक, एक दिन चलेगा, ज़्यादा 1.5 दिन 2 दिन चलेगा, फिर वो सूख जाएगा, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा देर तक ही टिक नहीं सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर, बाहर अगर कोई भी दिक्कत होगी टेम्परेचर में तो भी एयर बबल क्या हिलेगा, और एयर पेपर हिलेगा तो एक्सपेरिमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से प्रोग्रेस चेक की बात कर लेते हैं। पहला है ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड है, कौन सा डिफाइन कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, फर्स्ट लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द प्लांट, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स। तो दोस्तों ये तीनों ही सेंटेंस जो है एकदम सही है, लेकिन इसमें से बेस्ट डिफाइन कौन है, तो हम जानते हैं कि सर्फेस ऑफ लीव्स, अगर लीफ की सरफेस से वाटर का इवापोरेशन होता है तो वो क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ की नहीं, अगर प्लांट की एरियल सरफेस, तो हमारा लीफ क्या है, एरियल सरफेस है, ठीक ना। तो ये हमारा थर्ड सी मतलब इज द बेस्ट आंसर। सेकंड देखते हैं क्या है, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन वी यूज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेपर दैट सूट इन द एक्सपेरिमेंट। अब कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ क्यों कर रहे थे, ये मैंने उसी समय बताया था कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या होता है, वाटर से रिएक्शन कर देता है और कलर को अपनी चेंज कर देता है। मेनली कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ब्लू होता है, और ये जैसे ही वाटर से रिएक्शन करता है इसका कलर जो है ब्लू से क्या हो जाता है, पिंक हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसी कारण हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का यूज़ करते हैं। थर्ड, लुक एट द एक्सपेरिमेंट सोन इन फिगर 5.4, अभी दिखा देता हूँ। सपोज यू टुक अ सिंगल फ्लावर विच अ लॉन्ग स्टॉक डिपिंग इन वाटर इन साइड ऑफ ए लीफी ट्विक, विल इट सर्व द पर्पज एस आर नो गिव रीजन। तो ये वाला कह रहे हैं भाई साहब, तो ये क्या है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि लीव्स की जगह फ्लावर रख दिया गया, तो दोस्तों अगर फ्लावर हो, लीफ हो, कोई कली हो, ये सभी इवापोरेशन में हेल्प करता है, तो वहाँ पे इवापोरेशन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वाटर रूट से जब प्लांट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, ट्रांसपायर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं इवापोरेट होगा, अगर लीफ नहीं है तो फ्लावर के थ्रू इवापोरेट होगा ही होगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्या है, मेंशन एनी टू लिमिटेशंस इन द यूज ऑफ पोटोमीटर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पहला क्या है, बबल्स इंट्रोड्यूस करना ही सबसे बड़ी बात है, और दूसरा क्या है, जो ट्विग हम डालते हैं, जो भी प्लांट की ट्विग डालते हैं, वो क्या करता है, लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आगे हम लोग बात करेंगे बाद में क्या काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।